good morning all of you i hope you will be fine and enjoying your online classes today it is day 34 class of sst of grade 3 and in our previous class we were reading our chapter 7 mumbai now today we will really read location and climate of mumbai let's start on page number 39 मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मुंबई इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है अलोंग द बैंक ऑफ द अरेबियन सी जो कि अरेबियन सी के किनारे हैं एंड हैज ए डीप नेचुरल हार्बर और वहां पर एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है पोर्ट मींस बंदरगाह है द Ships carrying goods from other countries जो शिप जो जहाज होते हैं जो दूसरे देश से सामान लाते हैं सेट एंकर हेरिययां कि यहाँ पे खड़े होते हैं मुंबई सिटी इज ए ग्रुप ऑफ सेवन आइलैंड्स मुंबई शहर सात आइलैंड्स यानी द्वीपों का समूह है इट इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड बाय ब्रिजेज जो कि मेन लैंड से ब्रिजेज यानी पुलों के द्वारा जुड़ा हुआ है मुंबई इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मींस औद्योगिक और कॉमर्शियल मींस व्यवसायिक शहर है द क्लाइमेट ऑफ मुंबई सिटी इज नाइदर हॉट इन समर नॉर कोल्ड इन द विंटर सीजन जो मुंबई का क्लाइमेट है वो गर्मी में इतना गर्म नहीं होता है और सर्दी में भी ज्यादा ठंडा नहीं होता है द सिटी गेट्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ जून जुलाई एंड अगस्त और इस शहर में जून जुलाई और अगस्त में भारी बारिश होती है सम पार्ट्स ऑफ द सिटी ऑल्सो गेट फ्लडेड और इस सिटी मुंबई सिटी के कुछ भागों में बाढ़ भी आती है नाउ गवर्नमेंट इकोनॉमी यूटिलिटी सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ मुंबई ऑल द ऑफिस ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सारे ऑफिस है वो मुंबई में स्थित है द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लिव इन मुंबई महाराष्ट्र स्टेट के सारे जो मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं सब मुंबई में ही रहते हैं द पब्लिक सर्विस आफ्टर बाय द मुंबई मुंसिपल कॉर्पोरेशन और जो पब्लिक सर्विस मुंबई की है वो मुंबई मुंसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उनका ध्यान रखा जाता है मुंबई सर्विस इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया मुंबई को इंडिया का इकोनॉमिक सेंटर माना जाता है मुंबई हैज है लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है द स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्वेंटी थ्री स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री यानी कि जो ट्वेंटी थ्री स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में उनमें मुंबई स्टॉक एक्सचेंज महत्वपूर्ण तो है and the a few kilometers away from the Mumbai city is the Bombay High. Mumbai से कुछ kilometers दूर Bombay High है Here the crude oil is taken out of the bottom of the sea. जहाँ पर समुद्र के तल से crude oil निकाला जाता है This oil is refined and converted into petrol, diesel and kerosene. और इस crude oil को refined करके petrol, diesel और kerosene में बदला जाता है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर द फर्स्ट ऑटोमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया इन इज सिचुएटेड इन द ट्राम्बे नियर मुंबई में यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑटोमिक रिसर्च सेंटर है वो भी ट्राम्बे में है जो की मुंबई के पास में है द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बी एम सी जिसको हम बोलते हैं सप्लाईज वाटर टू द सिटी यहाँ पे यहाँ से सिटी को पानी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ब्रिड मुंबई जनरली ट्रेवल लोकल ट्रेन एंड बसेस लोग अधिकतर लोकल ट्रेन और बसेस से ट्रेवल करते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द कंट्री जो कि यहाँ का जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है पूरे देश का नाउ रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास